दिया, खोलो इसको। हाँ, अभी खोलता हूँ। खोलो जल्दी। ये कौन है? हमें नहीं पता। हट्टी खोलो उसकी। साले कब से ठोक रहा हूँ मैं, तब से सुना नहीं दे रहा क्या? साले सुबह सुबह का टाइम है, नेचर का काम होता है कि नहीं होता है, एक दो नंबर जाना होता है कि नहीं होता है। बहुत प्रेशर बन रहा है, गाड़ी रुकवाओ। अरे ये तुम लोग किसको उठा रहा है? ये तो वो पागल नहीं लगते जिसके बारे में हमें सूचना मिली थी। अरे पागल थोड़ी हूँ मैं यार, बेवकूफ। चुप कर। अरे पागल यही कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। साले तू पागल, तेरा बाप पागल। बहुत प्रेशर बना हुआ है, गाड़ी रोक दो बता रहा हूँ मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो पहले ही कहा था मैंने, सवेरे से संदूक में बंद हूं, पर मेरी सुनता कौन है? सब भाग गए मुन्ना, तू ही भाग ले बेटे। ससुराल भी 120 किलोमीटर, चांदनी चौक भी 120 किलोमीटर, कहां जाऊं? अरे थोड़ा हमारे हाथों से भी खा लो जाने मन। ये बदतमीज औरत, मेरी जाने मन के खूबसूरत चेहरे पर गंदा पानी डाल दिया। उधर तो मैं मारी, रुक क्यों गए आप? हाँ इंदिरा हमेशा मुझे कहती, माँ इन पर है ना कभी भरोसा मत करना, लेकिन मैंने उसकी बात पर कभी गौर नहीं किया। और आज उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम लोगों को कैसे कैसे दिन दिखाती हूँ। डर डर के ठोकरे खाती फिरोगी माँ बेटी। मेरे वकील ने ऐसा पैंतरा आजमाया है कि शर्मा निवास इनके नाम होकर रहेगा। फिर मैं तुम्हें इस गली से धक्के मारकर बाहर नहीं खिंचवाया तो मेरा नाम भी महर नहीं। चलो मैं रुलाकर तू कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं जी पाएगी, याद रखना। आज अगर मेरी इंदिरा होती ना तो वो तुझे मम्मी जी, मम्मी जी, शेर दादी का पंखा है। श्रीमती जी, श्रीमती जी, लाओ 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 ये, आराम से। क्या बात है? कितनी देर से आवाजें लगा रहा हूँ श्रीमती जी आपको, बहुत इंतजार करवाने लगी हैं आप। मैं अम्मो के पास थी। मुझे अम्मो के पास थी। ये क्या है, ये सब बातें करने का वक्त नहीं अभी। अच्छी बात है, आप करो तो लीला और मैं करूँ तो पाप। गलत बात है, चीटिंग। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि वो आप बात कर रही थी, कह रही थी मेरे को सरप्राइज, क्या सरप्राइज है? और उस वक्त तो बड़ी रोमांटिक हो रही थी आप, अभी एकदम से हिटलर बन गई आप। और ये क्या है ये? अरे आपने मुझे भेजा वहां से, तैयार हो जाइए जाकर के, और खुद ये क्या पहना हुआ आपने? इतने सादे कपड़े क्यों, चेंज क्यों किया आपने? माले
अभी अभी सुगंधा भी यही बोल रही थी और आप भी यही बोल रहे। मैंने कपड़े कब बदले ऋषि? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ आपके दिमाग में है, भूलने की बीमारी लग गई है मुझे लग रहा है आपको। मेरे को अच्छे से याद है आपने येलो कलर का घाघरा पहना। जी मैंने ना कोई येलो कलर का घाघरा नहीं पहना था, मैं सुबह से यही पहनकर घूम रही हूँ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे कपड़े बदलने के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं। मैं तो खुद अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ सुबह से। ढूंढ रही हूँ मतलब? ढूंढ रही थी, मिल भी गए। ये लो बुढ़िया, तुम्हारे कपड़े लिए, गीले हो गए थे। अब गीले कपड़े कैसे पहनती? गीले हो गए थे, कहाँ मिले ये कपड़े आपको? हाँ, जबकि सुबह से मैंने पूरा घर छान मारा था। बाहर ही पड़े थे। कैसे गीले हो गई, मैं क्या जानूं? ऋषिकेश्वर भी गीला, तुम भी गीली। मैं गीली कब हूँ? अरे मैं पूछ रही थी, मैं गीली? अरे मैं पूछ, क्यों इस बात को आप च्युइंगम की तरह खींचे जा रहे हो? टॉपिक को यहीं खत्म करो। समझ नहीं रही हो आप? मेरे को लग रहा है हवेली में सबको पता लग गया है। ये अगर पता लग गया ना कि भीगने के साथ साथ क्या, प्लीज अरे किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। बढ़िया, गीले ही कपड़े पहनोगी के? नहीं नहीं दाइमा, ये क्यों पहनेंगे? ये अम्मू ने भिजवाए ना पूजा वाले कपड़े, ये सब पहन के तैयार हो जाएंगे। आप चलिए, हम लोग आते हैं तैयार होकर। अन्ना ऋषिकेश्वर तू तैयार हो जा, थोड़ी देर में सब निकलने वाले हैं ना। बुढ़िया तो मेरे साथ बाद में आएगी, पेट से है ना। हाँ? ना आज राहु काल है, तो राहु काल में घर से नहीं निकलते ना। तो तुम लोग पूजा की तैयारी करो, अब पीछे से मैं वो बुढ़िया को लेके आ जाऊंगी। ठीक है दाइमा, जैसे आप कहो, लेकिन कपड़े बदल लें आप, चलो। बंद करियो दरवाजा। क्या हो गया है आपको? तो बात है ऋषि, ये जो बुढ़िया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पता है सुबह सुबह चापलूसी करी थी मेरी, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। छुरी जी पहन ले। अरे आज इंदिरा भी ऐसी कपड़े पहनने वाली है, कोई तेरे को देखेगा तो इंदिरा ही समझेगा। थोड़ी देर में सबके सब हवेली से बाहर जाने वाले हैं, फिर मैं इंदिरा को ठिकाने लगा दूंगी। मैं जानता हूं श्रीमती जी, मुझे पता है, बचपन से देख रहा हूं दाइमा की थोड़ी सी आदत है चापलूसी करने की, और ऊपर से वो अम्मू के मुंह लगी है। तो अच्छा आप एक काम करो, आप उन्हें अपने मुंह मत लगाना। अब क्या हुआ है, क्यों परेशान है? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। कल रात बहुत बुरा सपना देखा मैंने, उसके बाद दिल में अजीब सा डर बैठ गया। लेकिन हिटलर को सपने में डर लग रहा है। अच्छा सॉरी बाप, बताओ क्या सपना देखा? बताओ ना, सॉरी बताओ। मां को देखा था, हर वक्त ना मजाक अच्छा नहीं है। सीरियस हो गया अब, बताओ फिर। सपने में मां को देखा, फिर? मां मेरे पीछे भाग गई थी। अजीब सी बात है ना, बचपन से आज तक मैं रिश्तों के पीछे भागती आई हूं, और सपने में सब कुछ उल्टा था। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पाई। अजीब सा दर्द था उनकी पुकार में। अरे श्रीमती जी छोटी सी तो बात है, आप कहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठी? ये लो फोन, लो फोन मिलाओ, माँ को बात करो। घबराने की कोई जरूरत नहीं, चलो 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 चलो, शाबाश, मिलो मिलो मिलो। ऋषिकेश्वर
के तैयार नहीं रहे तो अभी तक? बस मुहूर्त निकलने के बाद जाओगे के? एक एक न जा की बताऊ मैं। अरे बहू किसके साथ फोन पर लाग रही है वो? अम्मो वो कुछ नहीं सुनना मैंने, 2 मिनट के अंदर तैयार होके बाहर निकलो, मुहूर्त निकलने से पहले पहले पहुंचना है। और तू जमुना के साथ आ जाइए, देर ना करिए, टाइम तक पहुंच जाइए। हाँ हम अभी तैयार होते हैं। हाँ जल्दी कर। हाँ, हाँ। माँ से बाद में बात कर लो, आप तैयार हो जाइए। पक्का? चलो। इंदिरा बेटे आ जाओ। उसके आने से पहले मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगी, मार डालूंगी तुझे। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? इंद्रा, इंद्रा, दादी उठो। इंद्रा बेटा आजा, तेरी माँ मर रही है बेटा। सर सर बेटा पंडित जी को बुला ले, मेरा अंतिम क्रिया करा दे बेटा। करम के पैसे इंदिरा दे देगी, शायद इसी बहाने एक बार मैं अपनी बेटी को देख लूंगी। मरने से पहले आखिरी विनती करती हूँ, आँख बंद होने से पहले एक बार मेरी बेटी का चेहरा दिखा दे, मेरी बेटी की चेहरा। माता जी मैं कह रही हूँ क्यों ऐसी बातें कर रही है, कुछ नहीं होने वाला आपको। मनराज गया है इंदिरा दीदी को बुलाने। आ इंदिरा, इंदिरा कैसा दिख रहा हूं छोरी? बिल्कुल देसी दिख रहे आप। अरे हरियाणा के हैं तो लगेंगे देसी हैं? धीरे की के बात है, हैं? तुम दिल्ली वाली से बार बार गिराओ, के चक्कर है? की कहवे से हरियाणा में किसे? अरे श्रीमती जी ये जो आप बना रही हैं प्लीट्स, क्या कहते हैं इसको हरियाणवी में? अब मैं क्या जानू ऋषिकेश्वर। ठीक है जो भी कहते हो छोड़ो, हमें क्या करना है, लेकिन आप दिल्ली वालों की अदाएं एक से एक हैं। ये मुझसे हो ही नहीं रहा था, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। आ जाओ
बस बस सदा सुहागन रहो। हमारी एक हॉकी की टीम हो, एक क्रिकेट की और फुटबॉल की नहीं हो, ज्यादा हो जाएगा। ऋषिकेश्वर है देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग आप ही की वजह से रुके हैं वहाँ। ये ठीक लग रहा है। और इंदिरा ये संभाल अपनी अमानत। अमानत क्या है इसमें? इसे यहाँ स्त्रीधन बोले हैं। स्त्रीधन? वो जो तेरा सगुन और मुंह दिखाई हुई थी उसके रुपए हैं। संभाल के रखी हो इसे। नहीं दीदी, मैं इतने पैसे और ये ज्वेलरी नहीं ले सकती। हाँ आप प्लीज ले जाइए। तू इसे ना ना बोल सके, तेरे हैं और इसे पैसे ना समझियो, बड़ों का आशीर्वाद है और इस पर तेरा और सिर्फ तेरा हक है, समझी? रख लो चलो। आज तो मेरी दुरानी परियों जैसी खूबसूरत लग रही है, नजर ना लगे। अरे भाभी क्या बात कर रही हूँ, नजर कहाँ से लगेगी, नजर तो पास आते हुए भी डर। देवर जी अभी पूजा के लिए देरी हो रही है, ये दिल लगी बाद में करना। चलो चलिए श्रीमती जी आइए। अरे 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 इसे कहाँ ले जा रहे हो, ये आपके साथ ना जा सके। अरे भाभी इनके बिना पूजा कैसे होगी, आप भी कैसी बातें कर रही हो, साथ में ही तो पूजा करेंगे ना, तो साथ में ही चलेंगे। चलो अम्मो ने कहा है कि इंदिरा सबसे आखिर में आएगी, खास पूजा करानी है, तुम दोनों साथ ना जा सको। अरे वही तो भाभी, खास पूजा है ना, तभी तो साथ में जाएंगे, और ये यहाँ अकेली बैठ के क्या करेंगी है, बोरी हो जाएंगी। वहाँ पूजा खास है तो फिर साथ में चलना चाहिए ना, बोर नहीं हो जाओगे क्या आप? नहीं बिल्कुल नहीं। नन्ना दीदी मैं क्या कह रही हूँ, आप इन्हें ले ही जाइए, कुछ देर यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं चैन से बैठ पाऊंगी। अच्छा आपका कहने का मतलब है कि मैंने आपका चैन लिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए श्रीमती जी, आप और आपका चैन दोनों आराम से यहाँ बैठकर अकेले में बातें कीजिए, आराम कीजिए, हम दोनों आराम से पूजा में मिलेंगे। खड़े क्यों चाहिए, हैव अ नाइस डे। की तरह बिहेव करते, डरा दिया ना। चुप, देखो आप मुझे डराते ही रहते हो। अब जाइए जल्दी, देर हो रही है, जल्दी आना।